आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 6 करने वाले हैं। इससे पहले कि जो है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सारा का सारा एग्जांपल कर लिए थे, एग्जांपल नंबर 5 तक कर लिया है, और उससे पहले के सारे के सारे एक्सरसाइज भी हम लोगों ने किए हैं, और रिमाइंडर थ्योरम का भी एग्जांपल था, वो भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो देखो, अगर आपको देखना है, अगर आपको छूट गया है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर आपको जो है चैनल इस चैप्टर के पूरे चैप्टर का जो है क्लास 9 का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, अगस्त अग्रवाल का। वहाँ पर आपको हर एक चैप्टर वाइज जो है हर चैप्टर का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो और मैं आपको बता दूँ कि जो है पूरा का पूरा वीडियो जो है ना वन शॉट में भी डला हुआ, तो आप चाहो तो एक शॉट में भी आप देख सकते हो। ठीक है, आई डी से एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं फर्दर। जो है हम लोग, मैं जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा प्लेलिस्ट का, और एंड स्क्रीन में भी लगा दूँगा। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल में 6 में क्या कह रहा है कि लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1। ये हमें पी ऑफ एक्स दिया गया है, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें ये दिया गया है 2 माइनस 3x। बोला कि चेक वेदर पी ऑफ एक्स इज द मल्टीपल ऑफ जी एक्स और नॉट। तो हमें चेक करके बताना है कि पी ऑफ एक्स जो है ना वो जी ऑफ एक्स, मतलब जो जी ऑफ एक्स जो है वो पी ऑफ एक्स का मल्टीपल है या नहीं है, यानी कि पी ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स का मल्टीपल है या नहीं, वो बताना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक दिया गया है 8 और एक दिया गया है 2। तो हमें बताने के लिए बोला कि बताइए कि जो 8 है, 8 2 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो भाई 2 के टेबल में 8 आता है, तो 2 4 8, तो हाँ आता है। यानी कि वो मल्टीपल तब होगा जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, समझो इस बात को। जैसे कि अगर मान लो कि 16 है, और 16 अगर 2 का मल्टीपल तब होगा जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 से, और रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। 2 8 16, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आता है ना, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये मल्टीपल है, बात समझ में आ रही है ना। तो हमें वही रिमाइंडर निकाल के देखना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हाँ होगा, नहीं आया तो फिर नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ले लिया 17 ले लिया, तो 2 8 16 आएगा, तो रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। तो 17 भाई 2 का मल्टीपल नहीं होता है, 2 के टेबल में 17 नहीं आता है, तो इसलिए रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, बस समझ आए ना। इसीलिए जो है हमको इसी तरह से चेक करना पड़ेगा, यानी कि हमको निकालना है रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालेंगे, देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आइए ना सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें जी ऑफ एक्स दिया गया है, कितना दिया गया है 2 माइनस 3x दिया गया है। तो यहाँ से आप एक्स का मान निकालो, तो जी ऑफ एक्स जो है वो 0 ले लेंगे, और ये जो अगर 2 माइनस 3x, तो ये 2 पहले इधर भेजो, तो 2 आएगा तो माइनस में आएगा, तो -2। फिर ये 3 जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में है, -3x मल्टीप्लाई में, तो -3 को इधर भेजेंगे तो बाय में आएगा -3 इज इक्वल टू एक्स। तो देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि जो एक्स का मान है एक्स इज इक्वल टू 2/3 आ गया। ठीक, अब रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग पहले रिमाइंडर निकालते हैं। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं कि व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स ना, जी ऑफ एक्स से जब डिवाइड होगा, यानी जी ऑफ एक्स ये दिया गया हमारा, ठीक है ना, जी ऑफ एक्स, देन क्या हो जाएगा हमारा, जो एक्स का मान आया है, यानी कि पी ऑफ 2/3 इज विल बी द रिमाइंडर, इज रिमाइंडर, वी विल बी रिमाइंडर। अब हमें रिमाइंडर निकाल के देखना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स हमें जो गिवन है डियर स्टूडेंट्स ना, तो पी ऑफ एक्स जो हमें गिवन है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो अब हमें निकालना है पी ऑफ 2/3, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर हम लोग 2/3 डालेंगे। तो 2/3 का क्यूब माइनस 2/3 प्लस 1। अब इसका जो है ये करेंगे अपन, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, तो 2 का क्यूब देखो 8 होता है, और 3 का क्यूब होता है 27, यानी कि ये आ जाएगा हमारा पी ऑफ 2/3 जो आ रहा है ये आ गया 8/27। चलिए, फिर यहाँ आ जाएगा हमारा -2/3, तो -2/3। ठीक है, चलिए, उसके बाद प्लस 1 है तो प्लस 1। अब इसका क्या करो, सबका एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम तो है जो आपको 27 है, तो ये हो गया 27। तो यहाँ आ जाएगा क्या, 8 ही आ जाएगा, क्योंकि 27 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 8 9, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, 9 2 18, तो यहाँ आ गया 18, और 1 को 27 से करेंगे बाबू तो यहाँ आ जाएगा प्लस 27 आ गया। ठीक है, फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है हमारा 27 + 8 = 35, तो ये हो जाएगा हमारा 35 और -18 / 27,
जब इसको माइनस करेंगे 18 36 यानी 17 आ जाएगा, 17/27 आ रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं आया। तो हेयर रिमाइंडर इज नॉट जीरो, देयरफोर क्या होगा हमारा कि पी ऑफ एक्स जो है ना, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन जो है इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, ये मल्टीपल नहीं होगा किसका, ऑफ क्या है हमारा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x, इसका मल्टीपल नहीं है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आ रहा है। यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा साइड हट गया हूँ। तो यही था क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का सॉल्यूशन। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है हमारा वीडियो। और हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जहाँ की एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।